स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। अगर अभी आपको एक एफडी बुक करनी हो तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि कितना रिटर्न आपको मिला है, और सबसे ज़्यादा रिटर्न जहाँ पे मिलेगा बेसिकली आप वहीं पर अपनी एफडी ओपन करना चाहोगे। तो सिंपली आप गूगल पे जाकर यही सर्च करोगे कि कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा एफडी पर रिटर्न दे रहा है। पर काफ़ी बार गूगल पर प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाता, या फिर हमको इंडिविजुअली एक एक बैंक को देखना पड़ेगा कि कौन सा बैंक कितना रिटर्न एफडी पर दे रहा है। पर आज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर आप सारे बैंक्स के एफडी रेट्स को देख सकते हो कि किस बैंक पर कितना एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर कितने टेन्योर पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसी ऐप पर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो इस ऐप के थ्रू डायरेक्ट उस बैंक में अपनी एफडी ओपन कर सकते हो, या फिर इस ऐप से आप नॉलेज ले लो कि कौन सा बैंक कितना एफडी पर इंटरेस्ट दे रहा है, फिर आप डायरेक्टली उस बैंक में भी जाके अपनी एफडी ओपन कर सकते हो। सो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, कितनी डिटेलिंग आपको इस ऐप के अंदर में देखने को मिलेगी एफडी से रिलेटेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। तो भाई सबसे पहले आपको अपने फोन में स्टेबल मनी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोडिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्ले स्टोर पर जाके इजिली इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके और अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लेना। वो मोबाइल नंबर यूज करना जो आपके आधार के साथ में लिंक है, जिससे ये इजिली आपका डेटा फेच कर पाए। जैसे इस ऐप को ओपन करोगे तो होम स्क्रीन पर आपको ऑफर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, जब आपको एफडी करनी हो तो आप चाहे इस ऐप के थ्रू डायरेक्ट कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स आपके आसपास नहीं होंगे, ब्रांचेस नहीं होंगी, तो इस ऐप के थ्रू करोगे तो आपको एक ये बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि काफ़ी सारी बैंक्स हमारे आसपास नहीं होती हैं। दूसरा ये है कि आप यहाँ पर एफडी के रेट्स देख लो, कंपेयर कर लो, जिस बैंक की आपको एफडी बेटर लगे आप उस बैंक में जाके डायरेक्ट एफडी कर लो। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, चाहे इस ऐप के थ्रू करो या डायरेक्ट बैंक में जाके करो। जैसे इस ऐप को ओपन करोगे तो देखोगे यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑफर्स दिख जाएंगे। जैसे कि अगर आपको 2 साल की एफडी करानी हो तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सबसे ज़्यादा 2 साल की एफडी पर रिटर्न दे रहे हैं 9.10% का। लेकिन अगर आपको 1 ईयर की एफडी करानी है उस केस में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 8.80% का रिटर्न दे रहा है। ये मोस्ट पॉपुलर है 1 ईयर की एफडी के लिए। ऐसा स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि 5 लाख DICGC इंश्योरेंस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 5 लाख रुपए तक एफडी करते हो किसी भी बैंक में और किसी रीजन से वो बैंक बंद हो जाता है या बैंक करप्ट हो जाता है, तो आपके जो 5 लाख रुपए होंगे वो DICGC अपनी तरफ से देगा। अब ये जो DICGC है ये बेसिकली RBI की ही एक बॉडी है जो कंज्यूमर्स के पैसे को प्रोटेक्ट करती है। कभी ऐसा कुछ डिफॉल्ट होता है, बैंक बंद हो जाती है, तो यूजर्स का पैसा डूबे ना, इस वजह से 5 लाख रुपए तक का आपको कवर मिलेगा। तो चाहे इस ऐप के थ्रू आप एफडी करो या डायरेक्ट बैंक में जाके एफडी करो, दोनों ही केसेस में आपके 5 लाख रुपए प्रोटेक्ट रहेंगे इसके थ्रू। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर सारे बैंक्स के नेम देख सकते हो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उन्नति स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पर उनके एफडी रेट्स आप कंपेयर कर सकते हो। थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस भी है, और उसके अलावा बजाज फाइनेंस है। अब जो बजाज फाइनेंस है इसमें आप देख सकते हो कि NBFC है, तो ये बैंक नहीं है, आपका पैसा NBFC में एक हिसाब से इन्वेस्ट होगा जो थोड़ा रिस्की रहता है, तो आपको इसको अवॉइड करना, सिर्फ बैंक ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो साउथ इंडियन बैंक है, इंडसइंड बैंक है, PNB हाउसिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है। आप ये देख सकते हो कुछ यहाँ पर कमिंग सून है और कुछ में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। जो कमिंग सून है आने वाले टाइम पर आप इनके अंदर में भी इन्वेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर आप तो पहले देख लो कि कितना आपको एफडी पर रिटर्न मिल रहा है, जहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंपेयर करना है SBI के साथ में, HDFC के साथ में, तो सिंपली आप डिस्कवर पर जाना और फिर यहाँ पर बैंक सर्च कर लेना। जैसे कि यहाँ पर ऊपर में ही SBI है, SBI में चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर SBI की आप पूरी डिटेल देख सकते हो, सीनियर सिटीजन को ये कितना दे रहे थे और 1 ईयर 2 मंथ्स 18 डे में ये कितना दे रहे हैं, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर यहाँ पर नीचे देखो तो यहाँ पर एक कंपैरिजन में छोटा सा मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का SBI के साथ में। तो हाई इंटरेस्ट रेट देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस दे रहा है 9.5% का एनुअली, SBI दे रहा है 7.75% का एनुअली। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लो। इसके बाद में अगर आपको खुद से कंपेयर करना है तो यहाँ पर बेसिकली आप पार्टिकुलरली जिस बैंक में आपको देखना हो कि कौन सा बैंक कितना दे रहा है, उस बैंक को या तो ऊपर से आप सर्च कर लेना या फिर आप यहाँ पे देख लेना। अब अगर मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड का देखना चाहूँ तो उसको सर्च कर लेता हूँ, उसकी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये जो है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में कंपेयर कर दे रहा है। अब इसमें आप काफ़ी सारे फिल्टर्स भी देख सकते हो जिससे आप इजीली समझ पाओ। तो अगर आपको 2 साल के लिए एफडी करानी है तो ये सारे बैंक्स हैं, 2 से 3 साल के लिए करानी है तो ये बैंक्स हैं, उसके साथ में उसका इंटरेस्ट भी लिखा है, 3 साल से ज़्यादा के लिए एफडी करानी है तो उसके रेट्स आपको दिख जाएंगे, और सीनियर सिटीजन के लिए ये बेसिकली रेट हैं। अगर आप नॉर्मल हो, सीनियर सिटीजन में नहीं आते, तो सीनियर सिटीजन वाला फिल्टर ऑफ कर सकते हो, तो आपको एक्चुअल में रेट दिखेगा कि आप 1-2 साल की एफडी कराओगे तो कितना रिटर्न मिलने वाला है। अगर आपको इंस्टेंट विड्रॉल चाहिए तो उस पर क्लिक करके यहाँ पर आप बैंक्स के नेम देख सकते हो जिसमें आपको इंस्टेंट विड्रॉल मिल जाएगा,
अगर आपको लॉन्ग टर्म एफडी करनी है तो उसकी लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी, और अगर आपको टैक्स सेवर एफडी करनी है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कितने टाइम के लिए करनी है, सीनियर सिटीजन हो नहीं हो, वो सब कुछ यहाँ पर आप देख पाओगे। अब सपोज आपको एक एफडी करनी है लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है, तो सिंपली आप फाइंड एफडी पे क्लिक करो। यहाँ पे आप सिलेक्ट करो कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मीडियम टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म में चाहिए या फिर एक फ्लेक्सिबल चाहिए। यहाँ पर सबके टेन्योर भी लिखे हैं, 2 साल 3 साल। सपोज आपको शॉर्ट टर्म करनी है, शॉर्ट टर्म पे आपने क्लिक किया, कंटिन्यू करिए। इसके बाद में आपकी जो एज है, सीनियर सिटीजन में आते हो नहीं आते हो, वो यहाँ पर आप चूज़ कर लेना, कंटिन्यू करना। इसके बाद में आपका जेंडर क्या है वो चूज़ करना, कितने की आप एफडी कराओगे। सपोज मैं अगर यहाँ पे 10,000 सेलेक्ट करता हूँ और सी रिजल्ट्स पे क्लिक करूँगा तो ये एनालाइज करके मुझे अभी इंस्टेंट दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मुझे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक सजेस्ट किया, जो मैं 1 साल 1 डे के लिए एफडी कराऊंगा तो 8.75% का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। उन्नति स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो 2 बैंक इसने मुझे सजेस्ट किया। अब सपोज मुझे अगर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी एफडी करानी है तो मैं जस्ट प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। इसके बाद में ये कुछ मुझे डिटेल्स देगा कि जो विड्रॉल है वो एनी टाइम रहेगा 7 दिन बाद। अगर मैं आज एफडी करता हूं तो 7 दिन बाद अगर मैं चाहूं तो अपनी एफडी को विड्रॉल कर सकता हूं, 7 दिन के पहले नहीं कर पाऊंगा। और इसमें 24/7 एक कस्टमर केयर सपोर्ट भी मिलता है। स्टेबल मनी का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनके कस्टमर केयर से भी आप बात कर सकते हो। सारा आपको ब्रेकआउट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर यह भी दिख जाएगा कि अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो 3 साल के लिए 9.50 के हिसाब से तो कितना आपको मिलेगा। सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे एक कंपैरिजन भी देख सकते हो SBI, HDFC का, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का, कि कितना इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं। अब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे आप क्लिक करिए। इसके बाद में क्या होगा, जो आपके आधार के साथ में मोबाइल नंबर होगा लिंक, तो उस पर आपको बेसिकली आगे के लिए प्रोसेस कर देगा, क्योंकि आप UPI के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना डिपॉजिट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको अकाउंट ओपन करने की नीड नहीं है। सपोज आपको नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD करानी है तो जरूरी नहीं कि आप पहले जाके अकाउंट ओपन करो, आप किसी भी बैंक में अपनी FD स्टार्ट कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। बैंक अकाउंट ओपन करने की नीड नहीं है। नेट बैंकिंग UPI के थ्रू आप बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो FD के अंदर में। तो ये काफी एक सही प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे बैंक्स के FD रेट को आप कंपेयर कर सकते हो, और जिस बैंक में आपको अच्छा लगे कि ज़्यादा रिटर्न मिला है उसमें आप डायरेक्ट इसके थ्रू इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो बैंक खुद से जाके आप डायरेक्ट बैंक के अंदर में भी इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि अगर इस ऐप के थ्रू भी आप बैंक में इन्वेस्ट करोगे फिर भी आपका पैसा डायरेक्ट बैंक में ही जा रहा है, इस ऐप के पास में कुछ उसका कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ एक मीडिएटर है जो आपको बैंक के साथ में कनेक्ट कर रहा है। सो अब अगर आपको FD करनी हो और बेस्ट रिटर्न चाहिए तो स्टेबल मनी ऐप के थ्रू आप इन रेट्स को कंपेयर करके जो भी सुटेबल आपको लगे उसके अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई और कंफ्यूजन क्वेरी हो स्टेबल मनी से रिलेटेड, FD से रिलेटेड, तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।